हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिस इज यश योर टेकमेट। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोटोरोला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मोटोरोला की तरफ से मोटो जी सीरीज का नया स्मार्टफोन मोटो जी 34 5G फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही तगड़े प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया भाई। मतलब 4GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 10,999 रुपीस में, एंड 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है मात्र 11,999 रुपीस में। इंट्रोडक्टरी ऑफर्स की अगर बात करें तो 1,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस भी यहां पर आपको दिया जाएगा। तो इफेक्टिवली 4 प्लस 128 आपको मिलेगा 9,999 रुपए में, एंड 8 प्लस 128 आपको मिलेगा मात्र 10,999 रुपए में। तो क्या 11,000 के प्राइस पॉइंट पर या 10,000 के प्राइस पॉइंट पर G34 5G आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या प्रॉस है यहां पर, क्या कॉन्स है, क्योंकि भाई साहब परफेक्ट स्मार्टफोन तो नहीं है, कमियां इस स्मार्टफोन के अंदर भी है, तो क्या आपको यह स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, आज की वीडियो में सारी चीजें आपको बताऊंगा। एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर से कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बातचीत को, और सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के प्रॉस के बारे में, क्या क्या अच्छाइयां यहां पर आपको मिलती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस फोन के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग मिलती है, एंड उन बहुत सारी चीजों में से पहली चीज है इस फोन की परफॉर्मेंस। यस, 10,000-11,000 के प्राइस पॉइंट पर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर। अब ये जो प्रोसेसर है अगर बजट के हिसाब से देखा जाए तो 14-15-16,000 के फोन्स में अगर आता है तो अच्छा रहता है, यहां पर आपको 11,000 के फोन में दिया गया है। एंड बहुत सारे ब्रांड्स तो ऐसे हैं जहां पर 22-23-23,000 के फोन में भी ये प्रोसेसर दिया गया है, परफॉर्मेंस अच्छी देता है, एंड स्पेशली 11,000 के प्राइस पॉइंट पर 695 प्रोसेसर आई वुड से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपको देगा। 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है गाइस, एनर्जी एफिशिएंट रहेगा, हीटिंग का इशू कम देगा, डे टू डे की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, इवन प्राइस सेगमेंट के हिसाब से गेमिंग भी आपको बहुत अच्छी करा देगा, एंड साथ ही साथ 5G कैपेबिलिटीज तो आपको मिलती है, तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी। मोर ओवर यहां पर आपको LPDDR4X रैम दिया गया है, UFS 2.2 वाला स्टोरेज मिलता है, तो गाइस मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है, परफॉर्मेंस में कहीं से कहीं तक आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी। एंड इस फोन का जो सबसे बड़ा USP रहने वाला है वो इसका परफॉर्मेंस है, क्योंकि परफॉर्मेंस प्लस 5G कैपेबिलिटीज इस फोन को नेक्स्ट लेवल बनाती है। इसके बाद में दूसरी खासियत की अगर बात करें तो कैमरा सेटअप भी यहां पर आपको अच्छा दिया गया है। माइंडेड ये जो फोन है 10-11 हजार का फोन है, जहां पर आपको डुअल कैमरा सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है, प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का छोटू दिया गया है, एंड फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। जनरली अगर देखा जाए तो इस सेगमेंट में भाई पीछे तो 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे फोन में फ्रंट कैमरा जो रहता है वो 8 मेगापिक्सल का होता है, लेकिन यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, एंड दोनों कैमरा से मैक्सिमम 1080 पिक्सल्स की वीडियो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी आपको मिलती है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो प्राइस सेगमेंट को देखते हुए कैमरा सेटअप यहां पर आपको अच्छा मिल जाता है भाई, कैमरा सेटअप में भी आपको शिकायत नहीं आएगी। एंड मेरे हिसाब से दूसरी जो खासियत है इस फोन की वो है इसका कैमरा, क्योंकि स्पेशली सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल दिया गया है। तीसरी खासियत की अगर बात करें तो इस फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको मिलते हैं, एंड साथ ही साथ डॉल्बी एटमॉस की ट्यूनिंग भी यहां पर आपको मिलती है, तो फोन का जो ऑडियो आउटपुट है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, लाउड रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, एंड स्टीरियो इफेक्ट मिलेंगे, प्लस डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो और ज्यादा बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस आपका हो जाता है। सो यस, तीसरी जो खासियत है वो है इस फोन की ऑडियो क्वालिटी, स्पीकर क्वालिटी, जहां पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस दिए गए हैं। चौथी खासियत की अगर बात करें तो यहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 देखने के लिए मिलेगा, ये काफी अच्छी बात है, लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन दिया गया है। लेकिन इसी खासियत में से अगर एक कमी निकालनी हो तो यहां पर केवल एक आपको मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा, मतलब ये जो स्मार्टफोन है एंड्रॉइड 15 तक जाएगा, लेकिन 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी आपको मिलेंगे, तो अगर यहां पर 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स होते तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन अगर दूसरे ब्रांड से कंपेयर करें जो एंड्रॉइड 13 देकर के 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स आपको प्रॉमिस करते हैं, वहां पर एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स होके 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट अगर आपको मिलता है तो बहुत ज्यादा खराब नहीं है भाई साहब, काम आप चला सकते हैं, तो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी यहां पर आपका अच्छा रहने वाला है। एंड पांचवी खासियत है इस फोन की बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन, यहां पर आपको वीगन लेदर का बैक दिया गया है, लेकिन ध्यान रखना गाइस कि जो ग्रीन कलर है वहीं पर आपको वीगन लेदर मिलता है, बाकी जो ब्लैक एंड ब्लू कलर्स दिए गए हैं वहां पर आपको प्लास्टिक बैक मिलेगा। लेकिन ओवरऑल बैक पैनल से गुड लुकिंग स्मार्टफोन है, सेंटर पंचोल आपको फ्रंट में मिलता है, पतले पतले से बेजल से ठीक ठाक साइज की चीन है, बैक पैनल में भाई टॉप लेफ्ट में कैमरा सेटअप है, मोटो का लोगो है,
तो आई वुड से कि गुड लुकिंग स्मार्टफोन है, फ्लैट फ्रेम्स के साथ में आता है एंड ओवरऑल अच्छा लग रहा भाई, एलिगेंट लुकिंग है। तो यस, मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन भी यहाँ पर आपको अच्छा मिलता है, साथ ही साथ IP52 की रेटिंग भी यहाँ पर आपको दी गई, तो डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन भी बहुत अच्छा है एंड वन ऑफ द प्रॉस है कि जो अच्छाइयां है इस फोन के अंदर उसमें बिल्ड एंड डिजाइन भी आता है। बात करेंगे कमियों के बारे में, तो एक ही सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है जो अगर इस फोन के अंदर नहीं होती तो ये जो स्मार्टफोन है अच्छे अच्छे ब्रांड्स के सारे कंपटीशन की लाइन लगा देता भाई, खत्म कर देता उनको। यहां पर जो आपको डिस्प्ले दिया गया है वो 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है जहां पर आपको HD प्लस रेजोल्यूशन दिया गया है। अब यहां पर भाई साहब थोड़ी सी चीजें बिगड़ सी जाती है क्योंकि 10-11 हजार के प्राइस पॉइंट पर HD प्लस डिस्प्ले मेरे हिसाब से भाई साहब वर्थ नहीं रखता है। अगर आपको कंटेंट वॉचिंग का शौक है तो डेफिनेटली ये फोन आपके काम का नहीं है क्योंकि केवल 720 पिक्सल्स वाला डिस्प्ले दिया गया है। यहां पर आपको मिलता है IPS LCD पैनल, 90:9 का आपको एस्पेक्ट रेशो मिलता है, 268 PPI के आपको पिक्सल डेंसिटी मिलती है। तो पिक्सल डेंसिटी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है एंड कंटेंट वॉचिंग में आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगी। साथ ही साथ ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे तो मात्र 500 nits की ब्राइटनेस यहाँ पर आपको दी गई है जो कि बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन आज की तारीख में भाई साहब दूसरे जो ब्रांड्स है इससे कहीं ज्यादा ब्राइटनेस आपको दे रहे हैं। सो यस, ब्राइटनेस भी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। हाँ, रिफ्रेश रेट जरूर से 120 हर्ट्ज दिया गया है, स्मूथनेस आपको अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन ओवरऑल अगर डिस्प्ले देखा जाए तो मुझे लगता है कि 120 हर्ट्ज ना दे करके यहां पर अगर फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज भी होता ना भाई तो ये जो डिस्प्ले है बहुत अच्छा लगता, लेकिन HD प्लस डिस्प्ले होना इस फोन का एक बहुत 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 बड़ा ड्रॉबैक है। एंड यस, अगर आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस चाहिए अच्छा तो इस फोन में स्पीकर्स तो आपको अच्छे मिलते हैं लेकिन डिस्प्ले उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन लेना है अच्छे सॉफ्टवेयर के साथ में तो डेफिनेटली आप ये स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। स्मार्टफोन खराब नहीं है, डिस्प्ले खराब है केवल, एंड अगर आप डिस्प्ले से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो डेफिनेटली खरीद लेना, बिल्कुल भी आप रिग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके क्या विचार है इस फोन के बारे में, कैसा है स्मार्टफोन, क्या आप खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन जरूर से सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।